दोस्तों, मैं हूँ ईशा पाल सिंह और मेरे साथ में हैं फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लेखक और फिल्म एकेडमिशियन श्री अमर स्नेह, जिनसे हमारी चर्चा चल रही है ईश्वर है या नहीं। अमर जी, चर्चा बड़ी इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंची है। अभी आपने कहा कि ईश्वर की क्या जरूरत है, अगर ये संसार इतना खूबसूरत है तो उसका मैं अपनी तरफ से ये रखता हूँ आपके सामने कि आपको नहीं लगता है कि आप जब पैदा होते हैं तो रोज रोज उठ करके वही काम करते हैं जो उससे एक दिन पहले कर रहे होते हैं, कर चुके होते हैं, यानी आपका जो दिनचर्या है ऑलमोस्ट मोनोटोनस है। तो इस तरह के अगर सपोज किया जाए, आपने तमाम जन्म लिए होंगे तो उसमें भी आपने वही काम किए होंगे जो उठ के बार बार आप कर रहे हैं, तो क्या ये बोरियत पैदा नहीं करता? तो इस बोरियत से ही जन्म लेता है भगवान की खोज का प्रश्न। इसलिए आदमी चाहता है कि क्यों यार ये बार बार जन्म लिया जाए, बार बार रोज रोज उठ के वही काम किया जाए, वही दरअसल क्या है इसमें एक बहुत अच्छा प्रश्न छिपा हुआ है, और वो प्रश्न ये है कि सवाल ये होता है कि जैसे मैं फिर से दोहरा दीजिए जरा सा, मुझे मैं मिस कर रहा हूँ। प्रश्न ये था मेरा कि लाइफ इज वेरी रिपीटेटिव, द ऑल एक्टिविटीज इन आवर डेली लाइफ वेरी रिपीटेटिव। आज मॉर्निंग में उठ के और शाम तक जो जो हम काम करते हैं, अगर हम डेली 365 डेज इन ए ईयर अगर हम उनको लिख के रखें और अगले साल फिर उन्हीं चीजों को पढ़ें, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैं वही चीज रोज रोज जी रहा हूँ जो मैंने कल जिया था, पिछले साल जिया था, पिछले जन्म में जिया था, उससे पिछले जन्म में जिया होगा। तो ऐसा क्यों, इसका जरूरत क्या? एक बार जो चीज जी ली बात खत्म होगी, क्या है उसको जीने में, आनंद मिल गया, बात खत्म हो गया। तो अगर बात खत्म हो गई है तो उसके लिए फिर आपको वो प्रयास करने की क्या आवश्यकता है जिसमें आप ये कहते हैं कि मैं दोबारा जन्म ना लूं, और अगर मैं ये करूं तो फिर मैं दोबारा जन्म नहीं लूंगा, मुझे मृत्यु मिल जाएगी, तो उसके प्रयास की क्या ज़रूरत है, वो तो स्वतः सिद्ध है। देखिए ईश्वर जी, ये सारी चीज़ें जो हैं कि रिपीटिटिव जो चीज़ें होती हैं, जब से इंसान पैदा हुआ है वो जीवन के जीने की सहूलियात किस तरह से बरकरार रहें और उसको किस तरह से हम नियोजित करें, उसमें हम अनेक अनेक कालों में और हम उसे ढूंढते रहते हैं और करते रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं उसका। तो सबसे पहली बात ये होती है कि हर आदमी खुशी चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मेरे पास में इतना धन हो, मेरे पास में इतनी संपत्ति हो, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं और ये होगा, और कुल मिला के सारी चीज़ें जो हैं वहाँ समाप्त हो जाती हैं कि हम जिए और उसके बाद में समाप्त हो गए, ख़त्म हो गए, मृत्यु हो गई। लेकिन फायदा क्या? सवाल ये है कि जब आप कहते हैं भगवान, तो आपने भगवान ने आपको पैदा ही क्यों किया? वो तो अपना भगवान का प्रोसीजर हुआ जिसकी वजह से वो पैदा हो गया। नहीं नहीं, तो वो क्यों किया? सवाल तो है, तो ये प्रश्न तो आप भगवान से पूछे, अगर जब मिल जाएंगे तो उनसे ही पूछिए कि आपने हमें पैदा क्यों किया। लेकिन एक बिल्कुल ये आधारभूत सत्य है कि ये परिवर्तनशील जगत है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे जीवन की शुरुआत होती है और हम जीवन को समझना शुरू करते हैं, नहीं तो हम बूढ़े पैदा हुआ होते, मतलब सब कुछ होता कि चलिए हम तो बूढ़े पैदा हुए हैं। तो जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो आप अनुभव करते हैं, वो अनुभव ही सृजन है, वो एक सृजन है, यानी जीवन का हम सृजन करते हैं और जीवन को हम जीते हैं, दो ही बातें होती हैं। लेकिन ये परिवर्तनशील जगत है, पेड़ आप कहें कि ये पेड़ जो है वो कोई दूसरी चीज़ बन जाए तो
तो उसकी जो पेड़ बीज डालते हैं बड़ा होता है, फल देता है, और फिर उसको उसकी भी आयु होती है, उसका भी एक लिमिट है कि जीवन और मृत्यु के बीच का जो जो अरसा है, जो भाग है, हम उसे कितनी अच्छी तरह से, क्योंकि हर चीज़ परिवर्तित होती रहती है। जहाँ हम आज बैठे हैं, यहाँ कोई मकान नहीं था, यहाँ पे सब जंगल था। हमने अपनी सहूलियत के लिए कुछ यहाँ पे इस तरह का किया कि ताकि हम जीवन जी सके, एक छत चाहिए आदमी को। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जिससे हमको उद्योग मिले और हम उसको उसका अनुपालन करके और उससे जीवन अर्जन, उससे जीविका अर्जित करें और उसको जिए। लेट मी पुट माय क्वेश्चन अमर जी फर्स्ट। आपने कहा, बड़ा ही खूबसूरत सवाल खड़ा किया कि हम पैदा क्यों होते हैं, ये हर आदमी जानना चाहता है। तो मैं आपको बताऊं, इसी सवाल की कोख से जन्म लेता है ये सवाल कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, किसने पैदा किया हूँ कि मैं उसको जानूं। कि जिंदगी में मैंने हर चीज़ अर्जित कर ली, हर सृजन कर लिया, हर ऐशो आराम मैंने ले लिया, उसके बाद ये मांग उठती है कि आखिर मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, हुआ एम आई। शुरुआत होती है आपके अपने से ही है, उसके बाद परमात्मा तक जाती है। सवाल ये है कि अगर आप परमात्मा कहते हैं तो उसी से पूछिए ना कि वो उसने पैदा क्यों किया है। वो तो तब ना जब आपको मिल जाए वो कहीं, उसी की तो खोज हम कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने खोज कर ली है उनसे पूछिए। तो वो बताते हैं, तो उसके नाम पर तो आपको पता ही है, उसकी उसके खिलाफ हम काम कर रहे हैं, तमाम लाखों करोड़ों के कारोबार चल रहे हैं, लोगों को ठगा जा रहा है, वो तो आपको आप देखिए ना। हाँ, तो सवाल ये है कि देखिए क्या होता है, भ्रम जो है जीवन का, कल क्या होगा हम जानते नहीं हैं, लेकिन कल क्या होगा उसके लिए हम नियोजन करते हैं, उसके लिए हम तैयारी करते हैं। जब वहाँ तक पहुँच जाते हैं हम, तो हमको लगता है कि अभी जीने के लिए कुछ और बाकी है और हम उसको पाना चाहते हैं। सवाल यह है कि हम जीवन में से जीवन खोजना चाहते हैं, यही हमारी पूरी प्रक्रिया रहती है। जीवन से वो धीरे धीरे एक्सपोज होता है, जिस तरह से सारी चीज़ें हमारे सामने एक्सपोज होती हैं, कुछ नई चीज़ आती है, कुछ नए बातें आती हैं, जैसे साइंस की एक प्रक्रिया है कि जो उसने खोज लिया है। साइंस फॉर व्हाट? साइंस फॉर न्यू इन्वेंशंस। न्यू इन्वेंशंस फॉर व्हाट? फॉर ह्यूमन, फॉर प्रॉस्पेरिटी, फॉर हैप्पीनेस। तो साइंस का भी जो रोल है, साइंस क्या है? What is science? Which is existing? Only we have to search and use it. है ना? यही चीजें हैं। तो अगर हम ये कहें कि जैसे परिकल्पना, लोग बहुत सारी बातें कहते हैं कि ब्रह्मांड आपके अंदर ही है, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। हम ऐसा कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। जब ब्रह्मांड हमारे अंदर है तो उसका संज्ञान भी हमें है, तो फिर हमें क्या करने की जरूरत है? कुछ करने की जरूरत ही नहीं। उसको पता तो, मालूम तो करना पड़ेगा। अंदर होने से मतलब क्या होता है? आपको पता होना चाहिए ना अंदर है। नहीं, अंदर है। सवाल है कि जब आप कहते हैं कि ब्रह्मांड आपके अंदर है तो फिर उसको जानने की जरूरत, तो आपके अंदर जो आपके पास में चीज है, फिर उसको खोजने की जरूरत क्या है? सवाल ये है, दो चीजें हैं। देखिए, लाइफ में एक बात कहता हूं कि जानना और मानना दो बातें होती है। आप देखिए, आपके अंदर है। द इजिएस्ट वे इज टू बिलीव, द इजिएस्ट वे इज टू बिलीव। इसमें सारी बातें खत्म हो जाती हैं। आप कहते हैं उसके बाद तर्क ही नहीं रह जाता है कोई। फिर जब तर्क नहीं रह जाता है तो फिर तर्क करने की जरूरत क्या है? फिर ये पूछने की जरूरत क्या है कि भगवान है या नहीं है? सर, आप तो बहुत ही ज्यादा रैशनल व्यक्ति हैं, मैं समझता हूँ। आप बिलीव सिस्टम वाले व्यक्ति नहीं है। नहीं, कोई कहे और मान ले, आप देखिए, आपने कहा और मैं मान लूं, ऐसा हो सकता है क्या? तो आप आरोपित क्यों करना चाहते हैं कि किसी ने कहा और आप मान लें? तो देखिए, जीवन ही बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है जो संज्ञान है। हाँ। जो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें, जो शक्ति जो पैदा होती है कि सब चीजों को संज्ञान करना, जो सेंसिटिविटी है,
अगर आप किसी से सरोकार रखना चाहते हैं तो आपके अंदर वो सेंसिटिविटी चाहिए जिससे सरोकार पैदा होता है, और जीवन को, आज जीवन को हम यहाँ तक एक्सपोज करके लाते हैं कि आज हमने जी लिया ये, फिर कल फिर वो वही प्रक्रिया पैदा होगी, उसमें कुछ नई चीज़ें पैदा होगी। आपने देखा है कि किस तरह से आदमी जो है जीवन जीने की जो शैली है, जीवन जीवन की जीवन जीने का जो एक उसका माहौल है, उसको वो बदलता रहता है खुद ही, वो संज्ञान उसके अंदर है। वी हैव टू डेकोरेट द लाइफ, तो वो डेकोरेट करता रहता है वो इस चीज़ को। आपको, हम जब जीते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कुछ आउटर एलिमेंट्स होते हैं, वो हमारे जो मेजर एलिमेंट है उसको प्रभावित करता है। हम बीमार होते हैं, फिर उसमें दवा दी जाती है, फिर हम ठीक होते हैं, फिर हम चंगे हो जाते हैं, फिर सारी बातें करते हैं। तो सवाल ये है कि जीवन को बनाए रखना एक बात है, और जीवन को मीनिंगफुल बनाए रखना दो बातें हैं। तो उसमें दो चीज़ें हैं, जैसे कहते हैं कि तब तक जिए आप जब तक उसका रेलेवेंस हो। हाँ। लेकिन ये कौन तय करेगा कि रेलेवेंस है या नहीं? तो आप खुद ही करेंगे। सवाल ये है कि अपने आप को हम इसे कहते हैं कि हमने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है। जीवन इसके बाद में भी है, आप परेशान ना हो और रास्ता खोजें, इसके बाद में भी है, सारी चीज़ें इसके बाद में भी हैं। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा, आप 10-15 साल से हमारे जो अनुभव है उसमें ये कहा जा रहा है कि हम जो हैं हम पशुओं से प्रेम रखें। पहले हमारा क्या था, पशु हमारे लिए भोजन था, हमारे लिए एक हमें पालने के लिए उसका हम उपयोग करते थे। आज हम उसके संरक्षण की बात भी करते हैं, नई बात पैदा हुई है। आज हम कुत्ते से प्यार करते हैं, बिल्ली से प्यार करते हैं, इससे प्यार करते हैं, और कहते हैं कि उनका प्यार जो है वो निष्पाप होता है। तो ये संज्ञान जो है, इस तरह की चीज़ें जो है ज़िंदगी को डेकोरेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे सरोकार रखें। सरोकार ही जीवन है, सरोकार ही हमारी सारी संभावनाओं की और संभावनाओं का एक द्वार है, और हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं कि जहाँ पे इंसान इंसान को समझे। क्योंकि सबसे बड़ी आज प्रॉब्लम हो रही है कि इंसान इंसान का ही मतलब दुश्मन है। तो क्या होता है, इसमें से एक बहुत बारीक चीज़ निकल के आती है कि अगर जैसे बहुत सारे धर्म उपदेशक और धर्म कहता है कि हमें मतलब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें हमारी जो निजता है उसको हम उसका विस्तार करें और समष्टि में उसको विसर्जित करें, तो उसमें सरोकार ही एक लिंक बन जाता है, सरोकार ही एक बात पैदा हो जाती है ना। तो वो सरोकार को हम बनाए रखें, बस इतना ही है। सरोकार से आपका मतलब सहिष्णुता ना, आपस में टू सिंक्रोनाइजेशन। हाँ, सिंक्रोनाइजेशन है, टू अडॉप्ट एंड अकोमोडेट। तो आजकल कमी है हमारे। हाँ, तो सवाल ये होता है जब हम बहुत स्वार्थी हो जाते हैं तब हम सिर्फ निजता तक जीवित रहते हैं, और उस निजता को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हम बिल्कुल अपनी निजता को समाप्त कर दें तो ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको सब चीज़ों का संज्ञान है तो अकर्म की स्थिति कभी पैदा नहीं होगी। अकर्म की स्थिति कभी पैदा नहीं हो सकती है इंसान के अंदर। जिस तरह से ये आवाज़ है, आवाज़, आप कोई दुनिया का ऐसा कोना नहीं है जिसमें आवाज़ नहीं है, खाली आपको पहचानना है कि आपकी आवाज़ क्या है। चलिए सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया, खूबसूरत आपने इसका समप दिया इस एपिसोड का। दोस्तों, ये बातचीत हमारी अमर जी से जारी रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया आजकल। धन्यवाद, थैंक यू।